हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। इंडियन आर्मी दो नए रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर आप यह जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यह रिजल्ट जारी हुआ है, गया का रिजल्ट जारी हुआ है। आप सभी देख सकते हो, जो वैकेंसीज में 10th पास हो जो ट्रेडमैन की है, आप सभी देख सकते हो। आप अपना रोल नंबर मैच कर सकते हो, ट्रेडमैन की है ठीक है, आप सभी देख सकते हो। और टीच की है, आप सभी आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो दोस्तों। टेक्निकल की है, इसमें वैकेंसी थी। जो रिजल्ट जारी हुआ था आपका कल, ये रिजल्ट जारी हुआ था 5:30 बजे 31 मई को। जिस भाई का इसमें सिलेक्शन हुआ उस भाई को तो बहुत बहुत बधाई हो, और जिस भाई का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ भाई कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम आप सभी तैयारी अच्छी से तैयारी करना ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो दूसरा रिजल्ट जारी हुआ है दोस्तों, यह रिजल्ट जारी हुआ है मुजफ्फरपुर का। आप सभी यह रोल नंबर देख सकते हो, यह ट्रेडमैन का रोल नंबर है जिसका भी है भाई अपना देख लियो। उस भाई को बहुत बहुत बधाई हो भाई, क्योंकि ट्रेडमैन में जो वैकेंसी आती है वो टेक्निकल में वो 5-7 ही वैकेंसी आती है, जो सोचो जेडी में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, और या फिर क्लर्क की में भी सबसे कम वैकेंसी आती है, और ट्रेडमैन की और टेक्निकल की, ये जितनी वैकेंसी अपनी है इनमें बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है। जो सोचो जेडी की है वो हर एक डिपार्टमेंट में ही बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, चाहे वो अपने टी आर्मी की बात करें हम, चाहे बात करें हम इंडियन आर्मी की ठीक है। बस यही अपडेट थी दोस्तों जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं अच्छे लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।